ंग स्मॉल क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ दिंग इज ठीक है हमें एक रिंग के सेंटर से, से स्मॉल क्यू चार्ज को डिस और सेकेंड रिंग के सेंटर तक लाना है आप इसको राइट right डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक मूव करना है और मुझे वगडन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है ठीक है अब सबसे पहले वगडन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम ये वाला यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट यूज़ में नहीं ले सकते हैं उसका रीजन ये है कि हम जानते हैं कि फोर्स जो होगा ड्यू टू रिंग वो आपका कॉन्स्टेंट नहीं है वेरिएबल फोर्स है डिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ जो है वो फोर्स की वैल्यू चेंज होती हुई चली जाती है ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज में ले रहे हैं हम जानते हैं यहाँ पर ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो है वो वर्कडन की वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो मैं क्या करूंगा इस चार्ज की सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर देंगे फिर फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर देंगे और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो जो है वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगा क्लियर है अब देखें इधर ध्यान से अब मैं पोटेंशियल एनर्जी पर आता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल होती है ठीक है चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब अगर इनिशियल पॉइंट पर बात करें तो इस रिंग का भी पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पर जो है वो इस फर्स्ट रिंग का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा उसको अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इसी तरीके से इस पॉइंट पर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बना सकता हूं ठीक है तो आप थोड़ा सा इधर देखें सबसे पहले बात करते हैं यहां पर मान ली ये एक रिंग है ठीक है और ये इसकी एक्सेस है ठीक है ये डिस्टेंस एक्स और रिंग की अपनी रेडियस जो है वो आ है चार्ज इस पर क्यू चार्ज है तो अगर सेंटर पर पोटेंशियल लिखा जाता है ड्यू टू रिंग तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर ये सेंटर पर पोटेंशियल हो गया के क्यू अपॉन आर के इक्वल ठीक है इसी तरीके से अगर एक्सिस पर पोटेंशियल लिखते हैं इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं आप देखें इधर ध्यान से क्वेश्चन पे सबसे पहले ये इनिशियल पॉइंट है इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू सेकेंड रिंग के सेंटर पर ड्यू टू सेकेंड रिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू अपन आर उसको q से मल्टीप्लाई किया मैंने तो लिखा के क्यू टू अपॉन आर ये पोटेंशियल और q से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेकेंड रिंग इसी तरीके से फर्स्ट रिंग का भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा पोटेंशियल की वैल्यू होगी k चार्ज फर्स्ट रिंग का हो गया आपका q1 वन डिस्टेंस लिखनी है यहाँ से यहाँ तक तो ये डिस्टेंस r और r दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो मिल मिलने लगा मुझे रूट टू आर और इसे भी q से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल जो है वो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी ठीक है इसी तरीके से मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू अब चार्ज यहाँ पर है इसके सेंटर पर है तो फर्स्ट रिंग से अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ तो मैंने लिखा के चार्ज क्यू वन अपॉन रेडियस आर ये तो पोटेंशियल हुआ फर्स्ट रिंग का सेंटर पे पोटेंशियल इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस रिंग का भी यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी के Q2 टू चार सेकेंड रिंग का और डिस्टेंस मुझे ये लेनी है तो R और R का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा रूट टू आर और इसे भी Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस तरीके से मैंने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख दी है अब इनका डिफरेंस जो होगा वो वकडन के इक्वल आ जाएगा ठीक है चलेगा देखें आप लोग हाँ बेटा वकडन इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल जी फाइनल पोटेंशियल जी है के क्यू वन क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू टू क्यू अपॉन रूट टू आर माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी है के क्यू टू क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू वन क्यू अपॉन रूट टू आर ठीक है W इक्व टू जो कॉमन है के कॉमन आ सकता है स्मॉल क्यू कॉमन है आर भी कॉमन है मैं यहाँ से रूट टू आर कॉमन ले रहा हूँ ये रूट टू आर कॉमन तो ब्रैकेट में यहाँ रूट टू कॉमन ले लिया तो ऊपर रूट टू मिलेगा मुझे तो ये मिलेगा रूट टू क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू टू माइनस रूट टू क्यू टू माइनस क्यू वन ठीक है अब बेटा अगर हम इसमें कॉमन लें तो मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले रहा हूं यहां पर तो आप लोग देखें यहां पे W इक्व टू के क्यू अपॉन रूट टू आर इन दोनों में Q1 वन कॉमन है तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा रूट टू माइनस वन और इसी तरीके से इन दोनों में भी मैं कॉमन Q2 ले सकता हूँ पर मैं यहाँ पर माइनस Q2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ मिलेगा प्लस में रूट टू और ये मिलेगा मुझे माइनस में वन ठीक है फिर से आप इन दोनों में ये कॉमन ले सकते हैं तो W इक्व टू जो है के क्यू अपॉन रूट टू आर कॉमन रूट टू माइनस वन और यहाँ से Q1 वन माइनस क्यू टू ये जो है ये वकडन की वैल्यू होगी जब आप रिंग के एक एक रिंग के सेंटर से सेकेंड रिंग के सेंटर तक जो है वो चार्ज को यहाँ पर डिस्प्लेस करते हैं ओके